हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू एक्सप्लोर। और आज हम एक और लेटेस्ट वैकेंसी को लेकर आए हैं। जी हां, आरआरसी रेलवे सेंट्रल रीजन यानी कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के रेलवे ने लेटेस्ट वैकेंसी निकाली है, जिसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2196 यानी कि 2196 है। और इसका एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन योग्यता 10th पास होना चाहिए और ITI भी साथ में होना चाहिए, जिसका लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का 30 नवंबर है 2017। आगे इस वीडियो में देखेंगे इसके और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि एज लिमिटेशन क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा इसमें, इसके बारे में और देखेंगे आगे इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन जो सब्सक्राइब का दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहे। चलिए देखते हैं पहले इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो अप्लीकेशन फॉर्म फिल होना 1 नवंबर को स्टार्ट हो गया है और आज 8 नवंबर है, आपको पता है, तो आप जल्दी से इसे फिल कर लो। लास्ट डेट वो 30 नवंबर है, यानी कि 1 महीने का टाइम दिया है, अप टू 5 PM 30 नवंबर लास्ट डेट है इसका, जो कि ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। इसका मैं कैसे आप फॉर्म फिल करोगे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और नोटिफिकेशन जो PDF में जो डिटेल नोटिफिकेशन होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये है, जो कि ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। फीमेल SC ST और PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए कोई फ़ी नहीं है, ये सब फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप फॉर्म फ़ी जमा कर सकते हो। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पहले ही ऑलरेडी बता दिया है 2196। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया था इससे पहले ही, 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ ITI होना चाहिए, 2 वर्षीय या 1 वर्षीय, चाहे मैकेनिक डीजल हो या फिर मैकेनिकल कोई भी ट्रेड हो। नेक्स्ट चलते हैं एज लिमिट पे। तो 1/11/2017 यानी कि 1 नवंबर को मिनिमम 15 इयर्स एज होना चाहिए और मैक्सिमम 24 इयर्स। और एज रिलैक्सेशन जो होता है वो एज पर गवर्नमेंट रूल, जैसे कि OBC के लिए 3 इयर्स, SC ST के लिए 5 इयर्स, PH के लिए 10 इयर्स और जनरल के लिए 0। तो ये एज लिमिट है 15 इयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 24 इयर्स, और एज रिलैक्सेशन भी इसमें मान्य है। नेक्स्ट चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन होगा, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आपके मेरिट लिस्ट पे और मेडिकल एग्ज़ाम। मेरिट लिस्ट कैसे होगा, तो वो नॉर्मलाइज होगा आपका ITI का स्कोर और 10th क्लास का स्कोर, दोनों का स्कोर नॉर्मलाइज होकर मेरिट लिस्ट निकलेगा, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट में आने के बाद इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसे क्वालिफाई करने के बाद आप सेलेक्ट किए जाएंगे। तो अप्लाई का लिंक, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैं ये दे रहा हूँ, यहाँ देख के भी आप टाइप कर सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे दूँगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ और ही ऐसे नोटिफिकेशंस को लेके, कुछ और भी इम्पोर्टेंट जानकारियों को लेके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।